लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। सबसे बड़ा मसला है वायलेंस इंडिया का, और हिंदुस्तान का ये जो सबसे बड़ा मसला है, इसका हल क्या हो सकता है? हमारे झा साहब ने तो मुझे और ज़्यादा खौफज़दा कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि भाई इसका तो कोई हल है ही नहीं। अगर करने पे आ जाए तो क्या नहीं हो सकता? वॉयलेंस इसलिए है क्योंकि वोटों की राजनीति हो रही है। आज मैं कहता हूं कि 2024 की सबको फिक्र है, लेकिन 2024 में करना क्या है ये फिक्र किसी को नहीं है। हर आदमी कह रहा है कि वोट देना है। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो ये कह रहे हैं कि किसी सूरत से इनको जाना है, कुछ भी हो इनको हराना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सवाल है मेरा कि आपने नरेंद्र मोदी के एनडीए के 10 साल देख लिए, और इससे पहले यूपीए के मनमोहन सिंह के 10 साल आपने देखे? मैं आपसे कहता हूं इन दोनों 10 सालों, पूरे आजादी से बात के आज तक की बात मैं नहीं करता, इन दो 10 सालों का अगर तजिया करने आप बैठेंगे तो ये पाएंगे कि उस यूपीए सरकार के पीछे भी आरएसएस का हाथ था, वही देश चलाने का काम कर रहे थे, और इस एनडीए के सरकार के साथ भी पूरा उनका हाथ है और वही सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का इलाज तलाश करना है, यही मसले का सबसे बड़ा हल है। हमें बहुत बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन हमें बांटा गया है, तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो। अगर हम तमाम मुत्तहिद होकर आज खड़े हो जाए तो ना एनडीए हमारा मुकाबला कर सकती है और ना ये इंडिया वाला गठबंधन हमारा मुकाबला कर सकता है। अगर करना है, अपने देश का काम करना है, अपने देश पर रखते हो तो आज उठकर खड़े हो जाओ, दलित और मुस्लिम तमाम को मुत्तहिद करो, तमाम के तमाम मुत्तहिद होंगे तो हम तीसरा मोर्चा बन सकते हैं और बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर ये हिम्मत है तो इस किस्म के इजलास का कोई मतलब है, और अगर ये हिम्मत नहीं है तो मैं समझता हूं कि चाहे एनडीए के साथ चले जाओ, चाहे इंडिया के साथ चले जाओ, यूं समझ लो कि तुम आरएसएस के ही साथ जा रहे हो। तो आरएसएस के साथ अगर जाना है तो आप लोग जाने, लेकिन हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह किसी भी कीमत पर हम आरएसएस को मजबूत नहीं होने देंगे। कांग्रेस के जीतने से भी आरएसएस मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी के जीतने से भी आरएसएस मजबूत होगी। हम दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज हैं, ये तमाम लोग अगर मिलकर मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे, देश प्रेम की भावना से अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं, आप अगर लड़ने की हिम्मत रही है, मैं तो इसलिए हिम्मत रखता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर तमाम लोग मुत्तहिद होने का वादा करें, ईमानदारी का वादा करें, तो इंशाल्लाह तीसरा मोर्चा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर तीसरा मोर्चा नहीं भी बनाया जा सकता तो इतना जरूर किया जा सकता है कि हम अपना एक मुत्तहिदा भारत बनाएं और कम से कम अपनी शर्तों में ये रखें कि अब हमने तुम्हारा झंडा नहीं उठाना है, हमें कम से कम 50 टिकट चाहिए, हम खुद जाके अपना काम, मिल्लत को, दलितों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मोहताजी का तौक उतार दो, और आज तो हमें कांग्रेस ने मोहताज समझा हुआ है कि जाएंगे कहाँ, हमें ये बताना है कि हम मोहताज नहीं है, हम मोहताज नहीं है। हम इस बार
2024 हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। इसको गैर जिम्मेदारी से अगर नज़रअंदाज कर दिया, इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी मुस्तकबिल तय होना है 2024 में। और हिंदुस्तान किस राह पर जाना है, हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान बनना है, ये भी 2024 में तय करना है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी का झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देश प्रेम की भावना से हमें अपना देश 5 साल के लिए किसी को देना है, ठेके पर देना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। अपना टेंडर दो, 5 साल का एजेंडा बताओ, रूट मैप बताओ, कैसे चलाओगे 5 साल, क्या बजरंग दल के हुंडे, विश्व परिषद के हुंडे इसी तरह दहशतगर्दी फैलाते रहेंगे। 1000 सवाल हमारे पास कांग्रेस से भी है, 1000 सवाल हमारे पास बीजेपी से भी है, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि सवाल करने का वक्त नहीं रहा। हमने उनको भी आजमाया है, हमने इनको भी आजमाया है, अब वक्त है हमें अपने आप को आजमाने का, अपनी ताकत का मुजाहरा करने का। इसलिए मैं कहता हूँ SC OBC माइनॉरिटीज तमाम लोग मुत्तहिद होकर खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह इतनी बड़ी ताकत बनोगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर में एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अभी परसों का वाकया है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है हमें तो आदत है, बर्दाश्त करते आए हैं। खुद बम मारते थे, कहते थे मुसलमानों ने मार दिया, और कांग्रेस वाले हमें गिरफ्तार करते थे, हमारे बच्चों पर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाया जाता था, हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर किया जाता था। ये सारी तकलीफें हमने देखी हैं, झेली हैं, बर्दाश्त की है और बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 2 रोज़ पहले, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को हम चेता देना चाहते हैं कि अपने मुल्क की माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ करो, उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर उन पर जुल्म किया जाएगा तो तुम्हारा घेराव किया जाएगा, तुम्हारा बाइकॉट किया जाएगा, हिंदुस्तान से तुम्हारी एम्बेसी खत्म कराई जाएगी। ईसाइयों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, बाइबल को जलाया गया। मैं ये कहता हूँ कि कुरान की बेहुर्मती अगर स्वीडन में की गई है तो पाकिस्तान में बाइबल को जलाने से क्या उसका इजाला हो जाएगा, क्या कुरान की अजमत बढ़ जाएगी? कुरान की जो अजमत है वो अपनी जगह है। और मुसलमान, हमारे यहाँ इस्लाम में बदला लेने का कोई तरीका नहीं है, हमें बदला नहीं लेना चाहिए और हमें तमाम किताबों का एहतराम करना चाहिए। बाइबल भी हमारी किताब है, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं, हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, तमाम धर्मों को हम एहतराम देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे मजहब में किसी किस्म की मदाखलत ना की जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।